दरअसल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जानकारी देते हुए ये कहा कि कोरोना टेस्टिंग को लेकर योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर हैं। एसीएस अवनीश अवस्थी की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि हॉटस्पॉट जोन में रहने वाले हर व्यक्ति की टेस्टिंग कराई जाएगी। इतना ही नहीं, जो लोग हॉटस्पॉट से बाहर हैं उनकी भी टेस्टिंग होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रों में टेस्टिंग के लिए अधिक मामले आए उन क्षेत्रों में पूल टेस्टिंग के जरिए जांच कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नित्य की भांति आज भी पूरी गहन और विस्तृत समीक्षा लगभग 2 घंटे की हमारे सभी अधिकारियों के साथ, टीम 11 के साथ, चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजीपी, सभी वरिष्ठ अधिकारी यथा एपीसी, आईआईडीसी, राजस्व की एसीएस, एसीएस फाइनेंस, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, सभी लोगों के साथ बैठक की। आज उन्होंने विशेष रूप से लॉकडाउन की समीक्षा की और लॉकडाउन में उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन के अंदर हॉटस्पॉट्स की पूरी टेस्टिंग हो और हॉटस्पॉट्स के बाहर भी टेस्टिंग कराई जाए। उनका निर्देश है कि जिन क्षेत्रों में आवश्यकता हो और अधिक मामले हैं टेस्टिंग के, तो उस क्षेत्र में पूल टेस्टिंग कराई जाए। उनका यह भी निर्देश था कि कानपुर में चूंकि टेस्टिंग का लोड ज्यादा है तो ऐसे जनपदों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, साथ साथ सहारनपुर और मेरठ जैसे जनपदों के लिए भी टेस्टिंग की विशेष व्यवस्था की जाए। बता दें कि कोरोना वायरस की टेस्ट किट की कमी के चलते भारत में पर्याप्त मात्रा में टेस्ट नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ टेस्टिंग की स्पीड पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा स्लो है। एक अखबार के मुताबिक पूल टेस्टिंग में कई लोगों के स्वैब सैंपल को इकट्ठा करके एक ही बार में टेस्ट कर दिया जाता है। इनमें एक एक सैंपल को टेस्ट करने की बजाय 64 सैंपल को मिक्स किया जाएगा और उस मिक्सचर को टेस्ट किया जाएगा। अगर ये नेगेटिव आया तो सारे 64 एक ही बार में पास हो गए और अगर ये पॉजिटिव आया तो उन सभी 64 लोगों को एक एक करके टेस्ट किया जाएगा। यूपी तक के लिए कृपा शंकर झा की रिपोर्ट।